तो जैसे कि मैंने आप सभी को वादा किया था, मैं तो साली 2019 का सबसे बेस्ट फोर स्टॉल जो कि मेरा फेवरेट है वो आप सभी से शेयर करूंगी। तो मैं आ गई हूँ उसके साथ और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे सारे चॉइसेस पसंद आएंगे और आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई करेंगे। एंड ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं टेस्ट, बट मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो चलिए फिर देखते हैं मेरा पहला स्टॉल जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है और इनके साथ ये है बात भी मेरा करते हैं। फर्स्ट तो चलिए फेवरेट रोजीज स्टार्टेड। किचन, जहाँ मैम आपको मिलेंगी ढेर सारे उड़िया क्वेश्चन के साथ, जिसमें अरसा पिठा, काकरा पिठा, चकुली पिठा, मंडा पिठा एंड बहुत सारे डिलीशियस डिशेस जैसे कि फेनी, गजा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और इसके पूरे जानकारी के लिए चलिए मैम से ही खुद हम बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या क्या हमारे लिए रखी है। What are you sharing with my followers today? Achha. And what have here? My kitchen है ना, मैं national award winner. Okay, that's good. मेरा kitchen जब गजपति महाराज पुरी का जो है था ना, उसका उनका एक मेरा kitchen है favorite kitchen. गवर्नर के लिए मेरा पीठा गया है, चीफ मिनिस्टर के लिए पीठा गया है, अभी जितना सारा मिनिस्टर असेंबली के लिए रोज जाता है मेरा। और ये वाला जो पीठा होता है ना, ये पर्टिकुलरली जो खीरो पोड़ा पीठा जो होता है ना, ये मेरा पैटर्न करने के लिए पब्लिक डिमांड बोल रहे हैं, वर्ल्ड का ईच एंड एवरी कोने में पहुंचना चाहिए। ओके, सो व्हाट्स द नेम ऑफ द डिश? खीरो पोड़ा पीठा। दिस इज अ ओडिया किचन एंड दिस नेम इज खीरो पोड़ा पीठा। आमे जेहेतु ओडिया, आम ओडिया पीठा को मैडम बहुत नेशनल लड़ी नहीं की गले टू प्रमोट आवर कल्चर वन स्टेप मोर। श्रद्धा भक्ति बिना पैसे हुए, गुड ऑप्शन फॉर वेज लवर्स एंड डेफिनेटली सो वी विल ट्राई दिस। थैंक यू मैम। So this is the second stall, Arden Pot. This is from the side and straight. Just come over here to have some really delicious and yummy tandoori chickens. They have many things: tuna mutton handi, chicken handi, and raita, pot chicken biryani, even bamboo biryani, and malai prawn tikka, Rajasthani raw mans, and many more. Just check it out what they have. And this is pot biryani. So wellly cooked. Rice is really nice and the chicken also. Raita. This is raita. This is really gravy. And what is this? Yahuna mutton hali hai. Yahuna mutton. And looks really yummy. Rice roti. My heard about is rice flour mein bana hai ye. Almost over. And this is bamboo chicken, almost over. Malai tikka. This is malai tikka. Real one hai, koi lai chilo mein. Ye apkani tikka hai. Okay. Aur ye prawn hai. Malai prawn. And paneer. So veg and non-veg, both options are over here. And all are earthen, cooked in the earthen pot. This is the basically the main theme of the place. And here I have ordered for malai prawn and this is how it looks. So delicious. I'm eagerly waiting to have this. So we got our bamboo chicken. Just ordered. At Mitchell's Kitchen, a worldwide kitchen restaurant. You might hear about it because it's very popular in the Odisha. और आप सभी को इनके बारे में बहुत पता होगा। सेफ मिशेल वो खुद ही यहाँ पे हैं और बहुत सारे डिलीशियस डिशेस अपने हाथ से ही सर्व कर रहे हैं सारे कस्टमर्स को। सो दिस इज द मेनू। हाफ डालमा चौक विद देव टमाटो जाम, चिकन ककड़ा विथ इंडियन सालसा, मटन कीमा विथ पुलाव, अमृतसर छोले कुलचे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई गॉट मुलेट पेरी पेरी, ऑक्टोपस पेरी पेरी, कालामारी पेरी पेरी, लॉबस्टर पेरी पेरी एंड सो ऑन। सो टुडे वी हैव सम प्रॉन पेरी पेरी एंड Like the process is going on and I thought this will comes up so nicely. Just have the look, step on walk and so this is how it's going on. I have ordered for the prawn and I'm waiting for it. Meanwhile you can see that it's doing its job.
so delicately for all the customers. Do come over here when you are at the Sali Mela. So here we have our food ready, and this is how it looks. तो ये था मेरा थर्ड फेवरेट प्लेस माइकल किचन, जहाँ खुद शेफ माइकल आपको सी फूड बनाते हुए दिखें और बहुत ही अच्छे प्राइस में ये सी फूड हम सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ है, और खुद ही कुक कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, एक्साइटिंग बात है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यहाँ आइए और खाइए और जायका लीजिए। The next place is Marwai Kulfi, and this is from Rajasthan, Apno Rajasthan, and the ways we know they really bring some nice things for us from Rajasthan, and we can have kulfi, Marwari kulfi, and moong dal halwa, pav bhaji, and raj kachori chaat, gevar, and lots more. So just take out this. So, if you are a lover of Rajasthani foods, then definitely this is a good one. I am going to have some really good kulfi over here. Rajasthan kulfi, let's try. So, intezar khatam, aur aa gaya mera kulfi, and I also ordered for gevar, because wo bhi mujhe chahiye tha, Rajasthani gevar. Iske saath hi mera chautha video complete hota hai. Namaste and take care.